चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को स्किप ना करें। जहाँ तो आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने 3 ऑफिशियल नोटिस जारी किए हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ PG डिप्लोमा इन योगा साइंस, जहाँ तो यहाँ पर आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट योगा साइंस के छात्र हैं उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। आप यहां पर क्लिक करके अपनी डेट शीट को चेक कर सकते हैं। साथ में BEd स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। साथ में जो BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि दो प्रकार की BEd होती है, एक BEd स्पेशल एजुकेशन और दूसरा आपका यहाँ पर BEd खाली, जो BEd BA BSc BCom के साथ में आपका जो यहाँ पर साइंस आर्ट और कॉमर्स के साथ में लिया जाता है, वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जारी किया गया है। तो दोनों डेट शीट यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर BEd स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा के लिए यहाँ पर डेट शीट है, जो 16 जून 2022 से शुरू हो रही है और 11 जुलाई 2022 तक आपकी चलने वाली है। जिन छात्रों ने स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत BEd कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम को देने जाए। उसके साथ ही जो सामान्य BEd है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी डेट शीट ये है, 16 जून 2022 से ये एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके 2 जुलाई 2022 तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। वो इस डेट शीट को डाउनलोड कर इस डेट शीट के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम को देने जाए। आई होप आप समझ चुके हैं। ये डेट शीट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको बता दूँ विश्वविद्यालय PG कोर्सों में भी NEP लागू करने की तैयारी में है। जल्द ही यहाँ पर विश्वविद्यालय जो है PG कोर्स में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो है यहाँ पर लागू कर देगा। अभी फ़िलहाल ये ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक स्तर पे ही लागू है, अभी भी जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए लागू नहीं है, लेकिन इस साल से यहाँ पर विश्वविद्यालय NEP लागू करने जा रहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था होगी, जो स्नातक स्तर के छात्रों के लिए NEP की व्यवस्था की गई है। NEP के क्या लाभ है आपको बता देता हूँ, ये क्या व्यवस्था है। आपको बता दूँ कि 2022 और 23 में MA MSc MCom प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं प्रथम सेमेस्टर में एक मुख्य विषय लेकर पढ़ाई करेंगे और साथ में एक माइनर विषय भी लिया जाएगा। PG में प्रथम वर्ष में कम से कम 52 क्रेडिट का कोर्स रहेगा। अगर कोई छात्र छात्राएँ PG प्रथम वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे स्नातक शोध की उपाधि दी जाएगी। PG प्रथम वर्ष में 52 और द्वितीय वर्ष में 48 क्रेडिट का कोर्स करने पर छात्र छात्रा को PG की उपाधि दी जाएगी। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा सिस्टम है कि अगर छात्र जो है किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो तब भी यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, उनकी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। यही फ़ायदा छात्रों को NEP के तहत होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।